हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं है, बहुत बार मेरे पास इस चीज की रिक्वायरमेंट आ चुकी थी कि आप इस तरह का टॉपिक लेके आइए, तो मैंने सोचा कि फिर मुझे जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज के लिए। तो वो क्या है? वो है हैंकी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कोई पर्सन की बार बार आप अपने हैंकी कलेक्शन लेके आइए, तो मैं उन्हीं के लिए आज ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। आई होप कि वो इस वीडियो को जरूर देख लेंगे और आगे से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना हैंकी कलेक्शन। मैं अपनी अलमारी में जो हैंकी को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो मैं अगर हम इन हैंकीज को ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है कि कोई इधर उधर गुम हो जाता है। तो मैं मोस्टली बास्केट में हमेशा इनको डाल के, जो मेरे हैं और मेरे हस्बैंड के हैं हैंकी हैं और मेरी गुड़िया के हैंकी हैं, छोटे छोटे सामान मैं इस तरह की बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ मोस्टली हैंकी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, गुम हो जाती हैं, इजिली मिलती नहीं है, फिर सुबह सब शोर मचाते हैं हैंकी दे दे हैंकी दे दे। तो मैं क्या करती हूँ, उस तरह की बास्केट में से डाल के अलमीरा में रख देती हूँ। तो इसमें जो हैंकी की कलेक्शन है, इसमें मैं आपको जेंट्स हैंकी और लेडीज हैंकी दोनों की कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मोस्टली जो जेंट्स की कलेक्शन होती है, हैंकीज, हैंकरचीफ, रुमाल बोलते हैं हम, तीनों वर्ड्स बोलते हैं हैंकी को, तो मोस्टली जो जेंट्स होते हैं वो मोस्टली व्हाइट हैंकी यूज करना पसंद करते हैं। बहुत से ब्लैक भी यूज करते हैं, ब्लैक, ग्रे, बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमेशा व्हाइट हैंकी पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा कलेक्शन नहीं दिखा रही हूँ, 4 से 5 हैंकी ही दिखाऊंगी, वो तीनों ही व्हाइट कलर के। तो मुझे लगा कि आपको बार बार व्हाइट ही हैंकी बार बार क्यों दिखाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिर्फ व्हाइट कलर ही पसंद है हैंकी में, और अच्छा भी व्हाइट ही लगता है। अगर आप ब्लैक या ग्रे या कुछ लाइनिंग वाइलिंग वाला जो जेंट्स हैंकी यूज करते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये हैंकी हैं जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आती हूँ मार्केट से। इस तरह से आपको इनका साइज देख सकते हैं, इनका साइज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जेंट्स के हैंकी का साइज काफी बड़ा होता है और लंबे चौड़े ये हैंकी होते हैं, क्योंकि उन्हें फेस कवर वगैरह करना होता है, और बिल्कुल प्योर कॉटन है। मैं पूरा पैकेट लेके आई थी जिसके अंदर मुझे 12 हैंकी मिले थे, और वो पता क्या, क्योंकि बाहर जाते हैं तो डेली उनको एक नया हैंकी चाहिए होता है, तो वो डेली उनकी वो हैबिचुअल है हैंकी के, बिना हैंकी के वो नहीं जाते हैं। तो ये हो गया उनका फर्स्ट हैंकी, वाइट, एंड सेकेंड है वो भी वाइट है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे हस्बैंड हमेशा वाइट हैंकी ही यूज करते हैं, तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो वाइट ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए 2, और इसके बाद आता है एक और हैंकी। ये थोड़ा सा ना हल्का है, मतलब ये तो बिल्कुल प्योर कॉटन में है, तो बिल्कुल प्योर कॉटन हो गया, ये थोड़ा सा हल्का है, काफी स्मूथ है, फेस को कवर करने में भी काफी इजी रहता है ये, जैसे मतलब करते हैं फेस कवर जेंट्स ऐसे, इसको त्रिकोणा सा बना के फेस कवर करते हैं ना इस टाइप से, तो काफी सॉफ्ट है फेस, अपना अपना पसीना वगैरह पोंछने के लिए भी काफी अच्छा है। और इसका साइज थोड़ा अदर हैंकी से थोड़ा छोटा है इसका साइज, बाकी ये जेंट्स का हैंकी है तो वाइट ही यूज करते हैं वो। और ये भी काफी लंबा चौड़ा हैंकी है, बहुत उनको डेली वो अपने यही हैंकी लेके जाते हैं, और वो जब कहीं जाते हैं तो वो हमेशा अपना एक हैंकी हमेशा भूल के आते हैं, तो इसलिए मैं पूरा पैकेट जो है मैं लेकर रखती हूँ। तो ये हो गए उनके 4 से 5 हैंकी, तो 4-5 ही हैंकी, मतलब जितने भी उनके हैंकी सारे व्हाइट कलर में ही होते हैं, कुछ कोई कलर वाला हैंकी वो यूज नहीं करते हैं, और व्हाइट ही अच्छे लगते हैं। तो ये हो गई जेंट्स कलेक्शन, इनको मैं साइड में रख रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आती है मेरे हैंकी की कलेक्शन जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, तो वो मैं आपको अब शेयर करती हूँ 1 by 1। मैं आपको अपने फेवरेट, जो मेरे फेवरेट हैं और जो मेरे अनफेवरेट हैं, वो भी मैं आपको अपने हैंकी दिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख सकते कितना प्यारा कलर है ये, कितना सुंदर है, तो आप इसका कलर देख लो कितना प्यारा है, उसके अंदर जो फ्लावर है व्हाइट, पिंक, ब्लू, और बहुत सुंदर फ्लावर्स बने हुए हैं। और इसका जो साइज है वो जैसे लेडीज के हैंकी का जो साइज होता है वो मोस्टली इतना ही मिलता है, कितने प्यारे प्यारे हैं, और इतना स्मूथ है ना, अगर आपको पसीना आया तो आप डैप डैप करके अपनी स्किन को पोंछिए, कोई रैशेज नहीं पड़ेंगे आपकी स्किन पर, अपने नेक वगैरह भी अच्छे से पोंछ सकते हैं, काफी सॉफ्ट है, कलर भी बहुत प्यारा है, फ्लावर, मुझे इसकी फ्लावर बहुत पसंद है, और जब भी मैं इस हैंकी को अगर, या मैं व्हाइट सूट पहनती हूँ तब भी ले लेती हूँ, तब या पिंक सूट पहनती हूँ तब भी इसे ले लेती हूँ, ब्लू सूट पहनती हूँ तब भी ले लेती हूँ, ब्लैक सूट के साथ भी इसे मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि जो मैं ड्रेस पहनूं उसके साथ का ही हैंकी होना चाहिए, कुछ डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता है।
तो इसीलिए मेरा ये फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है इसका कलर, इसके फ्लावर्स, क्योंकि ये थ्री इन वन बोल सकते हैं आपको। मैं 3-4 सूट्स के साथ इसे कैरी कर लेती हूँ, तो मेरा ये मुझे बहुत पसंद है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी कटवर्क भी है, जो काफी सुंदर लगती है। कटवर्क आजकल काफी ट्रेंड में है, सूट्स में भी आपने देखा होगा कटवर्क काफी ट्रेंड में है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट हैंकी जो मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड हैंकी, वो भी फ्लावर्स में ही है और उसी के जैसा मिलता जुलता है, क्योंकि मुझे काफी पसंद आया था तो मैंने दो हैंकी ले लिए थी। ये भी कटवर्क में ही है, इसमें आप कट देख सकते हैं। और ये व्हाइट, ये बहुत सुंदर है, बहुत आपको देखने में काफी अच्छा लग रहा होगा। साइज भी अच्छा है, आप इजीली अपने से किट में भी इजीली रख सकते हैं, क्योंकि काफी छोटी सी, मतलब ये फोल्ड हो जाता है, काफी सॉफ्ट है, ज्यादा उभरा हुआ सा मोटा मोटा हैंकी नहीं है। आप अपनी छोटी सी पाउच में भी इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसको रेड सूट के साथ कैरी करिए, येलो सूट्स के साथ भी ले सकते हैं आप इस हैंकी को, रेड के साथ भी, व्हाइट के साथ भी, ब्लू के साथ भी, बहुत अच्छा हैंकी है और आपके पसीने को इजिली एब्जॉर्ब भी कर लेता है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी 3-in-1 है, कटवर्क है, बहुत प्यारा हैंकी है, बहुत सुंदर लगता है। आप ये फ्लावर वाला सूट जिसे पहना है तो आप इसको फ्लावर वाले सूट के साथ भी इजिली कैरी कर सकते हो। तो देखा मैंने रेड पहना हुआ है, तो अगर मैं इस हैंकी को लेती तो काफी अच्छा लगता है ये। तो ये होगा मेरा सेकेंड हैंकी। इसके बाद जो हैंकी आता है मुझे वो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? वैसे तो प्रिंट देखा जाए, प्रिंट वगैरह तो अच्छा है, लाइनिंग में है, अच्छा लगता है लाइनिंग में, बट जो इसका फैब्रिक है थोड़ा रफ सा फैब्रिक है। अगर हम इसे अपने फेस पे ऐसे ऐसे से रब करते हैं ना, तो स्क्रैच हल्का सा ऐसे फील होता है, हार्श कुछ। तो ये सॉफ्ट नहीं है, वैसे अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बट इसका जो फैब्रिक है ना, जिसका फैब्रिक है वो थोड़ा सा रफली है, तो फेस पे थोड़ा सा हार्श लगता है। वैसे अच्छा है, लाइनिंग में है, ये देखो। ये हो गया मेरा थर्ड हैंकी। इसके बाद आता है लेवेंडर कलर। लेवेंडर कलर आपको पता है सूट्स में, टी शर्ट्स में, नाइट सूट्स में इतना ट्रेंड में है ना लेवेंडर कलर। आप देख सकते हैं इवन मैंने आज थोड़ी सी नेल पेंट भी लेवेंडर कलर की लगाई, क्योंकि लेवेंडर कलर बहुत ट्रेंड में है। पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा, बट लेवेंडर कलर के सूट्स इतने मार्केट में आ रखे हैं ना, इतने ट्रेंड में है। तो ये लेवेंडर कलर का मैंने जो इसीलिए लिया है क्योंकि काफी ट्रेंड में है लेवेंडर कलर, इवन मेरे पास सूट भी है लेवेंडर कलर का, तो इसीलिए मैंने लेवेंडर कलर के सूट के साथ इस लेवेंडर कलर के हैंकी को लिया है। इसमें सेल्फ प्रिंट है, हल्का हल्का छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे, और टेडी बियर का थोड़ा सा इसमें वो है, ये देखो, ये देखो सेल्फ प्रिंट है इसका, बहुत अच्छा है। इसमें भी हल्की सी कटवर्क की आपको इसमें वर्किंग मिलेगी और प्राइस भी कोई ज्यादा महंगे नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली हैंकी है, ज्यादा महंगे नहीं, बट इनकी जो लुक है प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, स्वेट को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। ये हो गया मेरा फोर्थ हैंकी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ डार्क ब्लू, नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, मुझे प्रॉपर पता नहीं चल रहा है इसका। इसमें आपको ये ना, मतलब इसकी लुक पता है कैसी लग रही है आपको, आप बताना आपको इसकी लुक कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी इसकी लुक लग रही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टार्स हैं, जैसे नाइट का वो होता है ना कुछ पिक्चर, नाइट पिक्चर, उस तरह के इसमें स्टार्स हैं, फ्लावर्स भी हैं, हर्ट भी हैं, काफी अच्छा है। ये भी ब्लू सूट के साथ आप इसे कैरी करिए, पिंक के साथ कैरी करिए, व्हाइट के साथ कैरी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें भी कटवर्क है, क्योंकि कटवर्क जो आजकल काफी ट्रेंड में है, तो कटवर्क वाले मैंने हैंकी 3-4 हैंकी ले रखे हैं, तो अच्छे लगते हैं ये, बहुत प्यारा है इसका जो इसमें स्टार है, मून बने हुए छोटे छोटे स्टार मून, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे स्टार्स और मून, मुझे बहुत पसंद आया ये हैंकी। इजिली बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत अच्छा लगता है, अपना फेस क्लीन कर लो और बच्चों को भी दो, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं इस तरह के हैंकी। ये हो गया मेरा, कौन सा हो गया, 3, 4, 5th हो गया ये। इसके बाद ये मेरी गुड़िया का फेवरेट हैंकी। ये थोड़ा सा ना इसने यहाँ से फाड़ दिया, ये कल ही इसने यहाँ से इसकी स्ट्रिप उतार दी, देखो यहाँ से, ये ना टेडी बियर, इसके ऊपर टेडी बियर बने हैं ना, ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये टेडी बियर वाला हैंकी मेरी गुड़िया का फेवरेट है। ये हमेशा स्कूल में लेकर जाती है इसको, मैं बोलूंगी और हैंकी इन्होंने और लेकर जाओ, आप कहेगी नहीं मम्मा मुझे अपना टेडी बियर वाला ही हैंकी दो, कि उसका फेवरेट है ये, बट इसने कल ये ना थोड़ा सा यहाँ से फाड़ दिया, तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे का तो सब चलता है। और ये ना क्यों इसको पसंद है, एक तो टेडी बियर के कारण इसको पसंद है, सेकेंड ये फर वाला हैंकी है, इतना स्मूथ है, इतना मजा आता है इसको अपने, मतलब मेरी बेबी जो नोजी वगैरह क्लीन करती है इसको, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, देखो काफी सॉफ्ट है ये, फर वाला हैंकी है, मुझे भी बहुत, पहले मैं यूज करती थी, अब ये यूज करती हूँ, देख ले कि ये टेडी बियर वाला है, तो ये हमेशा स्कूल में यही वाला हैंकी लेके जाती है, तो ये मेरी गुड़िया का फेवरेट है।
इसके बाद बहुत अच्छा हैंकी, ये है चेन वाला हैंकी। जैसे आपको मार्केट जाना है, थोड़े से आपको सत्संग कीर्तन वगैरह में जाना है, तो 10-20 रुपए अगर आप लेकर जाते हैं या 100-150 जितने भी लेकर जाते हैं, तो इसमें आप इजिली इसमें पैसे डाल सकते हैं। चेन वाला है ये, थोड़ा ये 25 रुपीज का आता है। ये बहुत अच्छा हैंकी, कलर भी बहुत प्यारा है, रानी सा कलर है, बट आपको इसमें डार्क थोड़ा लाइट लग रहा होगा। इसमें डॉट्स है, डॉट्स वाला भी बहुत ट्रेंड में है, काफी अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फर वाला है और फेस को क्लीन करने के लिए भी काफी अच्छा है, पैसे भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इसका ये चेन वाला सिस्टम, तो मुझे बहुत पसंद आया है। एक मिनट, इसका चेन वाला सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। आप इसे इजिली, किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें पैसे हैं, इसलिए इसमें आप चेन में इसमें पैसे डालो और ऐसे ऐसे इसको फोल्ड कर लो, किसी को पता भी नहीं चलता कि इसमें पैसे हैं, और कहीं भूल मत जाना इसको क्योंकि इसमें पैसे हैं आपके। और इसके बाद आता है ब्लू कलर का, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी फर वाला है, बहुत प्यारा है, इसमें भी छोटे छोटे डॉट्स बने हुए पिंक कलर के, व्हाइट कलर के एंड ब्लू, बहुत अच्छा है ये। मैं मोस्टली, आपने मैंने देखा भी होगा, मैं अपना फेस पैक क्लीन करने के लिए इसे बहुत बार पानी में डिप करके अपना फेस पैक भी ऐसे क्लियर करती थी, बट अब मेरे पास स्पॉन्ज है, मैं स्पॉन्ज से करती हूँ। काफी सॉफ्ट है ये फेस पैक वगैरह, मैं इसे मोस्टली रिमूव करती हूँ अपना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी छोटा सा इस पे फ्लावर भी बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला भी। मोस्टली आपको, आप देख रहे होंगे कि ब्लू, स्काई ब्लू ये वाले मुझे बहुत पसंद है। इसके इसमें तो ये मेरी बेबी का, क्या बोलते हैं इसको, बिब, बच्चे के यहाँ नेक पे बांधते हैं ना, ये भी इसमें रखा हुआ था। मैं अपनी अलमारी में सभी ये छोटी छोटी चीजें मैं एक इस बास्केट में रख लेती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आप भी, आपने देख लिया कि इसमें मेरे बच्चे की फेवरेट हैंकी भी आपको दिख गई, इसमें बिब भी दिख गया, मेरे हस्बैंड की हैंकी कलेक्शन भी दिख गई, आपको मेरी कलेक्शन भी दिख गई। सो आई होप जिनको भी इस वीडियो की डिमांड थी उनको ये मिल गई होगी, उन्हें पसंद भी आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करना क्योंकि बहुत अच्छी कलेक्शन मैंने आपको दिखाई है। सो बाय।